नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आखिर सपा के नेताओं को हो क्या गया है कि वो इस कदर बौखलाए हुए हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं। पहले इन लोगों ने चुनाव के दौरान खूब भड़काऊ भाषण दिए थे, किसी ने सीएम योगी के लिए अपशब्द कहे थे तो किसी ने अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी, और अब सीएम योगी के शपथ लेने के बाद से ही जहर उगला जा रहा है। हालांकि सीएम योगी पहले ही ये साफ कह चुके हैं कि जो भी यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसकी गर्मी निकाल दी जाएगी। इसी बीच सपा के विधायक और पूर्व मंत्री शहजील इस्लाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सरेआम बंदूक उठाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार सत्ता पक्ष ने मनमानी की, मगर अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में मजबूत विपक्ष है। अगर इस बार उनकी आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूकों से गोलियां निकलेंगी। एक बार आप भी सुनिए शहजील इस्लाम का भड़काऊ बयान। हम लोगों की अच्छी संख्या है विपक्ष के अंदर, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आज अगर मुख्यमंत्री होने के नाते, नेता सदस्य होने के नाते योगी अगर अपशब्द कहने का काम करेंगे तो हम लोग भी चुप बैठने का काम नहीं करेंगे, हाथ के हाथ जवाब देने का भी काम करेंगे। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऐलान कर दिया कि हम समाजवादी लोग सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी सरकार से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, तो परेशान होने की या निराश होने की जरूरत नहीं है। वो दिन चले गए जब उनकी तानाशाही चलती थी। एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, और एक हमारे हफ्ते अजीज नेता जो कि बब्बर शेर है अखिलेश यादव, वो भी आपके सामने, तो अगर उसके मुंह से भी आवाज निकलेगी तो हमारी भी बंदूकों में से आधी सोई धुआं नहीं निकलेगा, गोली निकलेगी बताना चाह रहा हूं। अगर इन्होंने मनमानी करने की कोशिश करी तो बरेली के अंदर भी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कें जाम करने का काम करेंगे, और कोई जुल्म जाति बर्दाश्त नहीं होने देंगे। तो सुना आपने शहजील इस्लाम कैसे धमकियां दे रहा है, गोलियां चलाने के साथ ही सड़कें जाम करने की बात कह रहा है, जो ये बता रहा है कि ये लोग योगी बाबा से कितने डरे हुए हैं जिसके चलते मारने काटने की बातें कर रहे हैं। खैर, इन्हें ये भी पता होना चाहिए कि भले ही इनकी इस बार विधानसभा में संख्या बढ़ गई हो, लेकिन योगी बाबा दंगाई और कट्टरपंथी सोच रखने वालों का तगड़ा इलाज करते हैं। जिसने भी योगी बाबा से पंगा लिया है उसका क्या हाल हुआ है उसे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता देख चुकी है। तो वहीं सोशल मीडिया पर शहजील इस्लाम के भड़काऊ भाषण को लेकर एक्शन लेने की मांग भी की जा रही है। ये देखकर शहजील इस्लाम के भी सुर बदल गए हैं, क्योंकि उसे पता है कि योगी बाबा भड़काऊ भाईजानों का कैसा इलाज करते हैं। योगी बाबा के एक्शन से डरे बरेली के भोजीपुरा से विधायक शहजील इस्लाम ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं सदन का सम्मान करता हूं, मेरे वीडियो का कुछ हिस्सा वायरल कर गलत अर्थ दे दिया गया है, यानी कि अब योगी बाबा के कानूनी डंडे का डर चढ़ा तो नेताजी की सारी हेकड़ी निकल गई। अब देखना यह होगा कि शहजील के बयान पर यूपी पुलिस क्या कुछ एक्शन लेती है। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।